अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ से बांध रखे और हमें हर मुसीबतों से परेशानियों से बचाए। आमीन सुमामीन। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी 10:15 का टाइम है और मैं अभी ब्लैंकेट में ही हूँ। तो संडे को मैं आपके साथ जो है वो व्लॉग नहीं शेयर कर सकी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अभी भी मैं ब्लैंकेट में ही हूँ। तो मैं सोचा चले आपके साथ थोड़ी सी बात तो करूँ, फिर उठती हूँ। तो फिर अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, बच्चे भी सोए हुए हैं और बेटे का पेपर है, वो भी पेपर के लिए गया हुआ है स्कूल। इसमें मैंने आपको बताया था एनुअल पेपर स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, तो स्कूल चला गया हुआ है। अभी वो आ जाएगा खैर से। तो उससे पहले मैं उठती हूँ, फिर फेस वॉश करती हूँ बच्चों को उठा के। तो छोटे बच्चे हैं उनको भी उठाना है और नाश्ता वगैरह करवाना। तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी हम कर रहे हैं नाश्ता। तो सॉरी, तबीयत ख़राब होने की वजह से गले में भी आपको पता है सबसे पहले प्रॉब्लम होता है नाश्ता करने के बाद। अब ये रखी हुई है चाय, चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला, आपको पता है जो मदर्स की रूटीन होती है, और माशाल्लाह से आज बेटे का फर्स्ट पेपर तो हो गया, तो फिर वही खाना वगैरह हो गया, फिर कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई सबसे पहले, फिर उसके बाद आ जाती है कुकिंग। आपको पता है नाश्ता करने के बाद सबसे पहले यही होता है कि दोपहर में क्या बने। बस अब ये मज़ेदार सी चाय हो गई है रेडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत रात को बहुत ख़राब थी, लेकिन अब शुक्र है कि काफ़ी बेहतर है पहले से। तो सर में इतना दर्द हो रहा था, शायद वो एकदम से हवा लग गई। तो बस अभी चाय पीऊँगी तो तबीयत जो है वो बहुत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अभी पीते हैं चाय। नाश्ता भी बाहर से ही आया था, नानचे ने मंगवा लिए थे, दही था तो साथ में हलीम था। तो अब चाय बन रही है, जो कि घर पे बनने वाला काम था। तो वो बेटे को ब्रेड एग नाश्ते में करवा दिया था, तो अभी वो भी आ गया है। तो फिर उसको मैं नाश्ता वगैरह दे दूँ तो फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी जी, तो यहाँ पे है शाम के 6:15 का टाइम है। तो मैं गूंद रही हूँ आटा, तो मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसके लिए मुझे मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम हो रहे हैं फ़ाइनल, तो जिसकी वजह से फिर मैं टाइम नहीं दे पा रही, वीडियो नहीं बना पा रही। तो बस जो जो हो रहा है मैं वो कर रही हूँ, कि बस कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए। अभी वो स्टडी करके फ्री हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि चलें बच्चों ने पारा पढ़ने के साथ साथ फिर मैंने कहा दूध बॉयल कर लूँ जल्दी जल्दी से। तो फिर भी रोटी बनानी है, उनको भूख लग जाती है। मैं आजकल ज़रा बच्चों को जल्दी ही और खुद भी जल्दी सो जाती हूँ, बच्चों को भी जल्दी सुला देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर बेटे ने स्कूल जाना होता है। तो इस वजह से फिर मैं जो है वो लेट नहीं करती, ताकि वो भी सुबह ईजी होकर उठे, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और आप सुनाए, आप सब कैसे हैं, कैसे जा रहा है आप सबकी तरफ मौसम? यहाँ पे तो अभी इस तरह का मौसम हो गया है शाम को कि जैसे गर्मियों में हो जाता है ना, वैसा हो चुका हुआ है कि गर्मी सी हो जाती है, गर्मियों वाला मौसम।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए और हम तो उस रब का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, हम तो इस काबिल ही नहीं हैं कि जिस काबिल उसने हमें बनाया हुआ है, तो उसका तो लाख लाख भी शुक्र अदा करें तो वो भी कम है ना। बस अल्लाह ताला हर एक को मुसीबतों से परेशानियों से बचाए, सब सबकी मुश्किलात अल्लाह ताला आसान करें। तो आजकल बस खाने में भी मुझे जो है, आज खाने में मैंने क्या बनाया है, आज खाने में साग पड़ा हुआ है तो उसी को जो है, आपको पता है साग क्या होता है कि इसको बना के रख लें तो फिर जी उसको तड़का लगाएं दोबारा से देसी घी का, वो मज़ेदार सा साग जो है वो रेडी हो जाता है। तो दाल और ये सब्ज़ियाँ वगैरह हो गई, गोश्त जो है वो आजकल मैं, मुझे एक्चुअली ख़ुद भी जो है वो होता है कि गोश्त, लेकिन आपको पता है चिकन जो है हमने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है, चिकन हम नहीं खा रहे। खाना भी हो तो देसी चिकन लेके आते हैं हस्बैंड, वो तो मेरे हस्बैंड जो है देसी, वो जो है ब्रॉयलर ये नहीं खाते, वो खाते हैं देसी चिकन अगर खाना हो तो। मैं आपके साथ जिस दिन मैं यहाँ फिश बना ली, मटन हो गया, बीफ हो गया, बीफ भी हम लोग बहुत कम खाते हैं, बीफ की वजह से मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है उनको भी। वैसे जैसे सर्दी में एक तो आपने ब्लैंकेट में जाना होता है तो जब आप लेते हैं तो आपके जिस्म पे हीटअप हो जाता है, हम लोगों का तो मन लोगों के साथ रहता है, ख्वारिश होने लग जाती है, तो जिसकी वजह से फिर हम लोग नहीं वो जो है बीफ को नहीं ज़्यादा खाते। तो अभी मैं ये गूंद लूँ आटा, तो मैं जिस दिन अब फिश बनाऊँगी, कल बनानी थी तो मैंने कहा अभी नहीं, जिस दिन मैं बनाऊँगी फिर उस दिन आपके साथ सारी उसी की कुकिंग की फ़िश कुक करूँगी, उसी की वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। बड़ा इजी सा मेथड है, बहुत मज़े की बनती है, लाइट सी ग्रेवी होती है और बड़ी मज़ेदार सी बनती है। तो अभी मैं थोड़ा आटा जो है वो इसको कर लूँ फाइनल, ताकि फिर रोटी बनानी है तो फिर आटा जैसी फाइनल होता है मैं आपसे बात। अच्छा जी, तो आटा मैं गूंद के रख आई हूँ, तो अभी मैं आपसे कुछ शेयर करने लगी हूँ। मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी काफ़ी दिन पहले, तो मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलें आज अभी बच्चे वो बेटे से फ्री हुई हूँ तो अभी खाना बनाने में कुछ टाइम है तो मैं आपसे अपनी जो शॉपिंग की भी है वो भी मैं ज़रा आपसे शेयर कर लूँ। तो चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखेंगे फर्स्ट पे ये है एक, मैं अपने बेटे के शूज़ लेके आई थी, ये देखेंगे। तो आपको पता बच्चे शूज़ पहनते हैं और जॉगर्स जो हैं वो ख़राब कर चुकी थी, तो फिर ये शूज़ लेके आई बेटी के, उसके बाद इसके लिए फिर मैं ये देखें, ये उसकी पोनियाँ और ये हो गई उसकी पिंस, ये उसकी पोनियाँ हो गई, पिंस हो गई, ये बेटी की शॉपिंग हो गई। उसके बाद फिर ये मैं लेके आई थी हेयर ब्रश और लोशन, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती थी। ये जी बॉडी स्प्रे है और ये होगी ये बच्चों की और मेरी मिक्स चीज़ें, ब्रश ख़राब हो चुका हुआ था तो फिर मैं वो नया लाना पड़ा, तो अभी मैंने इसको अनपैक नहीं किया, वैसे ही है। तो ये जी मेरा सूट है, ये मुझे गिफ्ट मिला है, ये देखें ये खद्दर का है आई थिंक, हाँ जी ये मैंने खोल के भी इसको वैसे ओपन भी नहीं किया लेकिन थोड़ा सा बस चेक किया तो ये उसी स्टफ में है, वूल स्टफ में है, तो इसको भी स्टिच होने के लिए देना है। और इस शॉपर में है बेटे की, देखें क्या है इसमें, ये जी हर नेक बेटी की, ये वाइट तो पता है वाइट मुझे ये ज़रूरी चाहिए थी, वाइट हाई नेक है ये, तो इसको भी ये देखें अभी पैक ही है, अनपैक नहीं हुई हुई, तो मैंने कहा चल आपसे शेयर करूँगी तो फिर ही अनपैक करूँगी। तो ये थी छोटी सी शॉपिंग जो कि कुछ दिन पहले ही की थी। और ये जी मुझे सूट मिल गया था गिफ्ट में, तो अभी मैंने ये स्टिच होने के लिए नहीं दिया, तो ये मैं जब दूँगी स्टिच होके आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सिंपल सा ही स्टिच होना है क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी है, तो बस इस पर कोई इतना नहीं है, लेस वगैरह जो है सारा कुछ तो इस पर हुआ हुआ है,
तो बस जी ये छोटी सी, आपको पता है कुछ शॉपिंग तो फिर चलती रहती है ऐसी छोटी मोटी। तो और अभी जी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी खाना, उसके बाद फिर हम मैं अब जो है अब फ्री हूँ अभी, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा आपसे क्या बात करूँ। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नई बातों के साथ। बस आप सब मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखा करें, और मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने इस्तेमान में रखे। तो आप सबके लिए भी जो है मैं दुआ, जब दुबह नमाज़ पढ़ती हूँ सबके लिए दुआ करती हूँ, और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, क्योंकि मुझे भी आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो इसी दुआ के साथ जी मुझे दें इजाज़त। तो खाने की जो है वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकूँगी, तो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई बातों के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ, खुदा हाफिज़।